दोस्तों, देर सवेर कर्म का फल कर्ता को भोगना ही पड़ता है, चाहे वह कोई मनुष्य हो या प्राणी। अतः कर्म करने में हमेशा सावधानी रखनी चाहिए। कर्म का विधान अटल है, जो जैसा कर्म करता है उनको वैसा ही फल मिलता है। दोस्तों, इस बात को समझने के लिए एक छोटी सी कहानी से प्रेरणा लेंगे। एक व्यक्ति सुबह सुबह ऑफिस जाने के लिए घर से निकले, फिर कार का दरवाजा खोल के जैसे ही कार में बैठने वाला था कि उनका पैर नीचे बैठे कुत्ते की पूंछ पर पड़ता है। पूंछ पर पैर पड़ने से कुत्ता उस आदमी को काट खाता है। गुस्से में आकर वह आदमी आसपास पड़े कुछ पत्थर कुत्ते की ओर फेंकता है, लेकिन किस्मत से एक भी पत्थर उस कुत्ते को नहीं लगता और कुत्ता वहां से भाग जाता है। फिर वह आदमी डॉक्टर से अपना इलाज करवा कर ऑफिस चले जाते हैं। ऑफिस जाकर कुत्ते पर आया उनका सारा गुस्सा उन बेचारे कर्मचारियों पर निकालता है, जिनकी कोई गलती ही नहीं थी। कर्मचारी अपना गुस्सा उनके नीचे काम करने वालों पर निकालता है। वैसे ही क्रम चलता जाता है। फिर अंत में ये गुस्सा प्यून तक पहुंचता है, जो वहीं मन बदबदाते हुए घर चला जाता है। घर पहुंचते ही हमेशा की तरह उनकी पत्नी पूछती है, आज फिर देर हो गई आने में। अब वह प्यून गुस्से में आकर कहता है, मैं क्या ऑफिस खेलने जाता हूँ? काम करता हूँ, दिमाग मत खराब करो मेरा, पहले से ही पका हुआ हूँ। अब गुस्सा होने की बारी उनकी पत्नी की थी। वह पति का गुस्सा अपने बच्चे पर उतारते हुए उसे 3-4 थप्पड़ मार देती है। अब बेचारा बच्चा जाए तो जाए कहाँ, बिना कारण अपनी माँ की मार खाकर वह रोते रोते बाहर की ओर जाता है। एक पत्थर उठाता है और सामने जा रहे कुत्ते को पूरी ताकत से मारता है। कुत्ता फिर बिलबिलाता है। दोस्तों, ये वही सुबह वाला कुत्ता था जिसने सुबह उस व्यक्ति को काट खाया था। उस कुत्ते को उसके काट के बदले ये पत्थर तो पड़ना ही था, केवल समय का फेर था। सेठ जी की जगह इस बच्चे से पड़ना था, उसका क्रमिक चक्र तो पूरा होना ही था। इसीलिए दोस्तों, यदि कोई आपको काट खाए, चोट पहुंचाए और आप उसका कुछ भी न कर पाए, तो निश्चित रहे उसे चोट तो लग के ही रहेगी, बिल्कुल लगेगी। जो आपको चोट पहुँचाएगा उसका चोटिल होना तो निश्चित ही है। कब होगा, किसके हाथ होगा, ये केवल ऊपर वाला ही जानता है, पर होगा जरूर और यही सृष्टि का नियम है। चाहे कोई देखे या ना देखे, फिर भी कोई है जो हर समय देख रहा है, जिसके पास हमारे पाप पुण्य सभी कर्मों का लेखा जोखा है। इस दुनिया की सरकार से शायद कोई बच भी जाए, किंतु ऊपर वाले सरकार से आज तक न कोई बचा है और न बच पाएगा। किसी प्रकार की सिफारिश अथवा रिश्वत वहाँ काम नहीं आएगी, उससे बचने का कोई मार्ग नहीं है। इसीलिए जीवन में हर समय उचित कर्म करना अनिवार्य है। दोस्तों, वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करें, कमेंट सेक्शन में अपना सुझाव जरूर लिखें। साथ ही ऐसे वीडियो की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।